व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस फाइनली हम लोग आज एक गाना रिव्यू करने वाले हैं जो 2 वीक्स पहले आया, बिल्कुल, बट अभी भी जब हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तब वो 24 ट्रेंडिंग पे म्यूजिक पे चल रहा है, बिल्कुल। वैसे भी प्ले डीएमएफ के जो गाने वो प्रमोशन में तगड़े रहते हैं, बिल्कुल। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यार जब मतलब कुछ कुछ गाने ऐसे रहते कि डिजर्व करते वायरल होना है इस लेबल से, सही बात है। जैसे कि अभी हम लोग गाना करने वाले हैं जालिमा, जो हम लोगों ने सीरीज की थी कि इंस्टाग्राम पे कौन सा गाना चल रहा है करके, तो इस उस लिस्ट में ये भी था, तो और उसमें से हम लोगों ने पिक किया है। और ये गाना स्पेशली अपन श्रेया घोषाल जी के वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम और क्या क्या आवाज है, अरे बहुत क्यूट है गाइस, बहुत 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 बढ़िया है, वो बहुत क्यूट है, क्या बताऊं। तो हमने स्पेशली उनके लिए मतलब उनकी आवाज सुनने के लिए अपन ये गाना रिव्यू कर रहे हैं। वो गुल्ली माता, गाना भी क्या मस्त गाना था, यही लेवल से था ना शायद, शायद अभी मेरे को मैं वो बोल नहीं सकता, नहीं क्या यही इसमें ही, अच्छा इसका ही होगा, हो सकता है प्ले डीएमएफ ही था ना वो शायद, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता गाइस, क्योंकि हम लोग इतने गाने रिव्यू करते रहते ना, तो कभी कभी इधर कभी मैं कभी वो इधर उधर हो जाता है, ऐसा हो जाता है, उलट पलट चलते रहता है। तो अभी तो गाइस आज हम लोग सुनने वाले हैं जालिमा बाय डिस्टिंक एंड श्रेया घोषाल, मुनी राय, रजत नागपाल और राणा सुतल अनुज अंशुलकर। अच्छा बाकी जो मुन्नी रॉय के बाद बाकी सब लेवल के नाम है, बाकी इधर सब कास्ट और आर्टिस्ट के नाम होगा, तो ठीक है। तो गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, जरूरी है। गाइस अभी सुनते हैं ये गाना और ऑफकोर्स अच्छा ही होगा यार, क्योंकि मैंने उतना क्लिप सुना था तो मेरे को बहुत पसंद आया, एक्चुअली अपने को म्यूजिक बहुत कैची लगा था, तो इसलिए बोला ये गाना तो अपन सुनते हैं अच्छे से, तो चलो मैं चालू करता हूँ गाइस, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, चलो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। गुल्ली माता का भी ऐसे था कुछ, नाइस, क्या बात है, क्या काम है, वहा يلا زيدوا زيدوا شي كيما الخطر هنا اوكي واو يا بات ہے گٹار نائس کیا بات ہے کیا آواز ہے آہا क्या आवाज है आहा कल भी ज़ल्म कोली ले ग़लम आहा ठीक है, ये अरेबिक नहीं है, डिस्टिंक्ट मरट मोरक्कन है, हो सकता है, क्योंकि जो बीट है ना गाइस, ये बीट जो है ना ये मोरक्कन है, मोरक्कन बीट है, और इसके जैसे बीच में ऐसे कोरस भी आ रहा है देखो, तो वो भी प्रॉपर मोरक्कन, हाँ वो ऐसा उसमें रहता, मोरक्कन में ही होता है, जस्ट लाइक अपने एक हनी पाजी, हनी यो यो हनी सिंह पाजी का एक गाना है ना, वो भी मोरक्कन वेडिंग पे शूट किया था, हबीबती लख तेरा हिल जदो मैं कर नशा, ऐसा गाना था देखो, हाँ तो वो, तो ये गाना, बट एक चीज मैंने प्ले डीएमएफ की बहुत अच्छे से नोटिस की है निशु, इनको एक तो वायरल करना रहता है गाना, चाहे वो कैसे भी करे, वो इधर वायरल ना हो इंस्टा पे चलना चाहिए, ऐसा इनका ऐसा, तो इनके हुक जो रहते ना गाइस, इनके हुक पे ये लोग बहुत ज्यादा काम करते, बिल्कुल पूरा भी गाना अच्छा रहता पर हुक पे ज्यादा, क्योंकि 17 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड की ही रील बनाते ना लोग, तो उसमें इनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि हुक बहुत अच्छा रहे, तो इनका हुक बहुत प्यारा रहता है जो लोग बना ही सकते हैं फिर, बिल्कुल इसके, बट हाँ गाना अच्छा बहुत कैची है और बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, बीट भी अच्छी है, हाँ बढ़िया मोरक्कन है ये, हाँ बीट मोरक्कन है ये, आप कंफ्यूज मत होना कि अरेबिक है या ये, ये मोरक्कन है, मोरक्कन है प्रॉपर, ये बहुत अच्छा किया, क्या आवाज है यार, वाह
ये जो बज रहा है ना, ये उनका ट्रेडिशनल परकशन। हाँ, ये वाला जो कोरस होता है, ये मराकन में ज्यादा से ज्यादा यूज किया थे ये कोरस। नाइस सॉन्ग यार, कंपोजिशन वाह। नाइस। उसके बाद में गाइज और एक चीज, ये जो पर्कशन बज रहे ना, ये उधर का मराकन स्पेशलिस्ट, मतलब स्पेशल उधर के पर्कशन है ये। बिल्कुल प्रॉपर एक, एक मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, इधर बीच वाला पकड़ने का एक ऐसा राउंड होता है, इधर भी ऐसा राउंड होता है, चिक 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 बढ़िया एक ये आता है। तो गाइस म्यूजिक कंपोजर्स है इसके रजत नागपाल भाई है खुद ही, अच्छा ठीक है। और यासनी मतलब आप ही देखो आप कि जो वहां के नाम दिख रहे हैं तो वो उधर से स्पेशली उन्होंने इसको कोरियोग्राफ सॉरी कंपोज किया है। हाँ। जो उनका टिपिकल मिट्टी वाला स्वाद है उनके। और इसको म्यूजिक प्रोड्यूसर है याम एंड उन लदीद लीदर, ठीक है। तो आप सोचो उधर के लोगों ने इसको म्यूजिक दिया है, इसलिए ये एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट प्रॉपर एक मतलब फील आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरे को अच्छा लगा। तो उधर के लोगों ने किया है इसलिए एग्जैक्टली नहीं करी, वही चीज हर पर्कशन उन्होंने प्रॉपर एकदम प्रॉपर यूज किया है। हाँ। तो जो म्यूजिक है प्रॉपर मराकन फील दे रहा है, ठीक है। इसके ब्रेक से लगा क्योंकि मैं इधर श्रेया घोषाल के लिए आया था, अभी डिस्टिंक्ट भाई ने भी मचा दिया है, तो उनके लिए भी आ गया मैं। बिल्कुल जी, क्योंकि बाकी तो अपने को कुछ उतना ये है नहीं। चलो मैं लगाता हूँ अभी, अभी बैक टू बैक सुनते हैं। Yeah, Zalma, Kalila, Gaza.
क्या बात है। हिंदी में बोल रहा, क्या बात है यार। अच्छा ये शॉट है क्या। तो डायरेक्टेड बाय पीयूष एंड शाजिया, वाओ बहुत अच्छा डायरेक्शन किया भाई, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है, और नो डाउट सेट भी अच्छा बनाया, सेट भी बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। तो मतलब ऐसा गिल्टी फील नहीं हो रहा कि यार गलत नहीं किया, गलत गाना रिव्यू गलत, हां क्योंकि गाइस वैसे भी खराब गाने आ रहे हैं, और मेरे को ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे एक्सपेरिमेंट चलता है, एक्सपेरिमेंट चलता है, और ऐसे जो हमारे इंडिपेंडेंट लेबल है, ऐसे बोलना पड़ेगा ना कि मतलब अलग से ये कर रहे बॉलीवुड से, बॉलीवुड में भी ठीक ठाक गाने आ रहे हैं आजकल, और ऐसे जो सिंगल रिलीज देखे तो अच्छे आते, फिर तो ये खुशी होती कि यार चलो बाहर तो अच्छे गाने आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बॉलीवुड में आपको 10 में से तकरीबन 2-3 ही गाने अच्छे मिल रहे हैं, हाँ। बाकी सब बकवास, मतलब ऐसा चढ़ा बेड़ा ही गरक हो रहा है, बेड़ा ही गरक, मतलब अभी तो मेरा ऐसे गानों के नाम लेने का मन करता, मैं बोलता नहीं, जबरदस्ती ये मैं बहुत खुश हुआ कि भाई ये अच्छा आप लोगों ने अच्छा और एक्सपेरिमेंट किया। पहले गुल्ली प्लेडियम का ही है, ये तीनों लोगों ने कंपोज भी किया है, बिल्कुल कंपोज भी किया है। गुल्ली माता मेरे को अच्छा लगा था, अभी ये गाना है। अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस यम एंड उन्होंने किया, प्रोड्यूस ये लोगों ने किया है, हाँ मैंने वही बोला, पहले ही बोल दिया था कि उन्होंने। और एक बात गाइस, इसमें जो मिक्स किया है ना गाना, बहुत प्यारा मिक्स किया है, उसकी किक एग्जैक्टली, क्योंकि ये परकशंस रहते ना गाइस, इनको क्या है हर एक चीज सुनने में आना चाहिए, तब थोड़ा सा मजा आएगा, मजा आता है, क्योंकि इनका खेल पूरा परकशन में ही है, बिल्कुल। तो अच्छा मिक्स किया, इसलिए अपने को सुनाई भी अच्छा दिया। तो मिक्स हमारे डीजे नाज भाई ने मिक्स किया इसको, और यम एन अनलीडेड भाई ने प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस किया, जो बहुत अच्छा मजा आया, मजा आया, और कंपोजिशन भी बहुत प्यारी है, और श्रेया घोषाल जी का आवाज वैसे भी अपने को बहुत पसंद है, और ऊपर से इतना अच्छा प्रोसेस किया, और दोनों के भी वोकल्स बहुत अच्छे, दोनों के भी, हाँ सिर्फ अकेले के नहीं, दोनों के भी बहुत प्रॉपर यूज किए, प्रोसेस किए, और इसके लिरिक्स भी गाइस उधर के दिख रहे हैं, सब उधर के नाम दिख रहे हैं, तो मैं गलत, ब्रायन राणा ये सब, मजा आ गया। अच्छा गाइस गाना अच्छा था, हमको तो अच्छा लगा, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, बट अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर देना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय भारत, पीस आउट।